लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। इसी के चलते प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल हमीरपुर के बचत भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंची। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सह प्रभारी गुरमीत बराड़, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री का पहुंचने पर स्वागत किया गया। रजनी पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर विजय हासिल करने के उद्देश्य से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय ली जा रही है और आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। उद्देश्य तो यही है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लक्ष्य करके हम सब पूरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। जब से ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने दी है, इंचार्ज हिमाचल, हमने ये सोचा कि हम ग्राउंड लेवल पे हमारी पक्ष पार्टी की परिस्थिति क्या है वो देखेंगे, सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे और फिर उसके आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बैठकों से साइड लाइन करने पर रजनी पाटिल ने मुकरते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वीरभद्र सिंह को बैठकों में बुलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने फिजूल की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वो स्वयं वीरभद्र सिंह के संपर्क में हैं। नहीं, मुझे नहीं ऐसे लगता, ये हम प्रेस वालों से ही ज्यादा सुनते हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ है तो मैं खुद उनसे संपर्क में रहती हूँ, हर रोज मेरी बात होती रहती है और हमारे प्रोग्राम में वो आते रहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि उनको बाजू में लेके आ जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर कुछ होगा तो वो गलतफहमी मैं दूर करूंगी। वीरभद्र सिंह और सुक्खू की लड़ाई में कांग्रेस पर लग रही अटकलों पर रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और कार्यकर्ता जोश में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नया जोश भरा जा रहा है और पार्टी को कभी भी खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संपर्क किया जा रहा है। मैडम, सतपाल सत्ती का कल कहना है कि वीरभद्र और जो सुक्खू की आपसी लड़ाई है वो इस बार फिर से जो है वो कांग्रेस को खाता नहीं खोलेगा, क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए इसका जो 0-4 हमारा हुआ है लास्ट के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, तो हमें ये मालूम है कि अगर हम झगड़ा करेंगे तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के सहित, तो हम अपने को खत्म नहीं करने देंगे ना कांग्रेस पार्टी को हम खत्म करेंगे। पिछली बार भी यहाँ जब बैठक हुई थी तो एक डिमांड की गई थी कि जितनी जल्दी हो सकता है वो कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाए, क्या रहेगा? जी बिल्कुल, ये सभी तरह से मांग हो रही है, सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जल्दी से जल्दी डिक्लेयर। हिमाचल के लिए दो कारण है, एक तो उनका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी इतना बड़ा है, मैं खुद देख रही हूँ कि उनको अगर पहले थोड़ा सा डिक्लेयर कर दिया तो लोगों को समझाने में, लोगों की तरफ जाने में, लोगों का संपर्क साधने में उनको सुविधा रहती है, तो उसके लिए हम राहुल जी के साथ संपर्क कर रहे हैं। एनडीए में उपसभा की सीट पर कांग्रेस की जीत न होने पर रजनी पाटिल ने कहा कि डीएमके के अनुपस्थिति और बीजेडी के साथ न देने पर कांग्रेस पीछे रही है। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई को लेकर बार बार सवाल किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी की आपसी लड़ाई को उजागर नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार धूमल सत्ती हारे हैं और उनकी पार्टी के विरोध को भी सभी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी छोड़कर आना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। कल इलेक्शन हुआ है, एनडीए ने पहली बार जो है वो उपसभापति की सीट जीती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, एक दो तीन चीजें हैं उसमें, क्योंकि जो हमारा, हम जिसके ऊपर निर्भर कर रहे थे, जो हमारा अलाय करके हम सोच रहे थे, वो बीजेडी ने भी उनका साथ दिया है एनडीए का। और दूसरी बात, अन्ना डीएमके के लोग, दो तीन लोग नहीं आ पाए क्योंकि परसों ही उनका निधन हुआ करुणानिधि जी का, तो डीएमके के जो लोग है डीएमके के दो तीन लोग नहीं आ पाए और 20 वोटों से हमारा पराभव हुआ है। मैम, कांग्रेस का इंटरनल टर्मोइल जो है अपने हिमाचल में, गुटबाजी की काफी खबरें बाहर निकल के आती है, उसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? मुझे लगता है कि हम सब अभी साथ में आने की प्रक्रिया जैसे भी हम आए हैं शुरू कर दी है, और ये जो टर्मोइल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप ही देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये टर्मोइल खत्म होके हम सब मिलकर साथ में लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। स्टेज पर तो सारे है ना, हमारी लड़ाई की बात लेके आप हमें सवाल पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कलह है, जो उनके अंदर, जिसका उदाहरण पूरे देश ने देखा है कि जो हमारे राजेंद्र राणा जी चुन के आए यहाँ पे, तो धूमल जी का पराभूत होना ये सब बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ हमारे ऊपर की लड़ाई, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारी लड़ाई से परेशान कौन कौन होते हैं वो हमें पता है, लेकिन आप, मैं एक आश्वासित करना चाहती हूँ कि हम सब मिलके ये सब चुनाव लड़ेंगे। और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का इंटरनल टर्मोइल जो है
हैं अपने हिमाचल में, गुटबाजी की काफी खबरें बाहर निकल के आती है, उसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? मुझे नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके जैसे सत्य जी भी तो हार गए, धूमल जी भी तो हार गए, तो उनके ऐसे थोड़ी कि उनकी पार्टी पूरी की पूरी उनके साथ है, तो उनके पार्टी के जो विद्रोह है उसके लिए कुछ बोला नहीं जाता। भाजपा खुद धूमल जी के इनके अंदर बहुत ही बड़े विद्रोह चल रहा है, वो आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। कोई विद्रोही कांग्रेस में शामिल होना चाहे तो क्या कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं? ऐसे है कि ये सब निर्णय जो होते हैं वो हमारे ऊपर के लेवल से होते हैं, अगर कोई ऐसे संपर्क करेंगे तो हमारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर, इनके सहित चर्चा करके हम वो राहुल जी के सामने रखेंगे। धन्यवाद। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सत्ती और धूमल का चुनाव जीता है और हर बार बीजेपी कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करती रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार के वायदे पूरे नहीं हुए हैं और इस बार जनता बीजेपी से हिसाब मांगेगी। देखिए, हमीरपुर पार्लियामेंट में सत्ती जी चुनाव लड़े, धूमल साहब चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हमने जीते हैं और हमीरपुर पार्लियामेंट का चुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ बातें कहती है जो हम पर टिप्पणी करती है, इस बार वोट उनकी सरकार की कारगुजारी पर पड़ेगा। जो 8 महीने पहले जयराम सरकार ने वादे किए थे और 4.5 साल पहले मोदी सरकार ने वादे किए थे, उनको पूरा करने का वक्त आ गया है।